जय गोपाल 1983 ये मेरे YouTube चैनल का नाम है और इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए और YouTube चैनल जो ये मेरा नाम है उस पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करिए और जो नया वीडियो आता है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ जो श्री रामकृष्ण ट्रस्ट में कुछ विद्यार्थी बहुत छात्र छात्राएं भी आके दूर दूर अलग अलग राज्यों से बहुत सारी पंचगव औषधियाँ और गोबर से बनी कलाकृतियाँ ऐसे बहुत सारे जो काम यहाँ पे हो रहे हैं उन्होंने आके अलग राज्यों से सीखा है। तो उसमें से ही मैंने एक छात्र जो है हमारे शास्त्री जी हैं, तो शास्त्री जी आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम निखिल शास्त्री है। अच्छा जी, मेरा अध्ययन गुरुकुल टंकारा में हुआ। इस संस्था का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। मैंने वहाँ संस्कृत आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया है। मैं 8वीं से लेकर बीए अंतिम क्लास में वहाँ पर पढ़ाई की। इसके बाद मुझे पता चला जो हमारा ग्राम उद्योग है रामकृष्ण ट्रस्ट उपमा, मैं यहाँ पर आया क्योंकि आज हम जिस वर्तमान काल में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है वह जीवन इस तरह है कि केमिकल हर चीज में है। तो हम कहीं भी देखो केमिकल, और वायु भी इतनी दुर्गंध हो रही है क्योंकि हम जहाँ भी जाए, हम जहाँ भी सफर करते हैं वहाँ दुर्गंध दुर्गंध वायु है। तो इस दुर्गंध वायु में क्योंकि केमिकल राइट सब वायु भी हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा पता चला कि जो रामकृष्ण ट्रस्ट है वहाँ पर सब केमिकल रहित प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्या क्या बनते हैं? गोमूत्र, गोबर से जो हमें हम जिस गाय विश्वास से मात्र जो गाय को राष्ट्र की माता कहते हैं, हम हमारी माँ के समान है जिसको हम दर्जा देते हैं। परंतु आजकल क्या हो रहा है, जिसको हम माँ का दर्जा दे रहे हैं वो माँ रास्ते पर घूम रही है, इधर उधर भटक रही है, चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। परंतु यहाँ के जो रामकृष्ण ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है मनोज भाई सोलंकी, वह बहुत मैं तो कहता हूँ मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि उनके सानिध्य में आकर मैं इस ग्राम उद्योग में आकर बहुत कुछ सीखने के लिए है कि गाय के गोबर से गोमूत्र से क्या क्या बनती है। आज हम देखते हैं खाली ओनली फॉर गाय का दूध लेते हैं, ठीक है, गाय का सबको पता है कि हमें गाय पालने से पुण्य मिलता है और गाय से ही हमें दूध मिलता है, गाय के दूध से बच्चों के लिए अच्छा होता है। परंतु गाय का दूध ही नहीं, उससे भी कई गुना हमारा गोबर और गोमूत्र का भी बहुत कुछ फायदा। बिल्कुल सही बात कहा है। आप देख सकते हैं आज वर्तमान समय में लोगों ने अपनी जो वहाँ की जो देशी नस्ल है, अपने यहाँ 40 नस्ल भारत की है, लोग अपने देशी नस्ल को छोड़कर विदेशी लेके आ रहे हैं। जर्सी है, एचएफ है, होस्टन है, ना जाने कितने नस्ल अपने यहाँ की बिगाड़ रहे हैं और वो नस्ल लेके आ रहे हैं। आप आज देख सकते हैं आज यहाँ पर ऐसे आपको 60-65 वर्ष की माता है जो हमसे अधिक तेज काम कर लेती है क्योंकि उस समय की जो देशी नस्ल गाय थी उसका दूध पीकर घी खाकर वो बड़ा उनका शरीर हृष्ट पुष्ट था। परंतु अभी आप वर्तमान समय के आप 20-25 साल के विद्यार्थी देखो, युवा देखो, उनके शरीर कैसे फ्रैक्चर है, शरीर में दर्द है, पीड़ा है। तो ऐसी माता है जो सुबह से लेकर 9 से लेकर 6 बजे कंटिन्यू काम करती रहती है, ना शरीर में कोई अभी तक दर्द ना पेन कुछ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि गाय के दूध में कितनी शक्ति है। परंतु आज वर्तमान समय में सब ये जो होस्टन जो जर्सी गाय है जो देशी नस्ल को छोड़कर विदेशी अपना रहे, मेरा सभी से निवेदन है कि हम जहाँ रहते हैं चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारे जहाँ की भी लोकल जो गाय है उसका पालन करे, उसका दूध पिए। उसके बाद मैं यहाँ आया तो मैंने गोबर से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जैसे धूपबत्ती है, आपको धूपबत्ती को मैंने पीछे आपने जिन भाई साहब से वीडियो बनाया था अभी मैं उसके हमने पैकिंग की थी। पैकिंग कर ये हम एक बॉक्स में रखते हैं, गिनती करते हैं कितनी जाती कितनी नहीं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इसमें सब गोबर गोमूत्र और घी इत्यादि कपूर ये सब सारी चीजें मिली हुई है। अच्छा, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और यहाँ सारी चीजें प्रोडक्ट बनते हैं हमारे शरीर में जो भी, जैसे बहुत पेशेंट ऐसे कैंसर के, डायबिटीज के, किसी को शुगर इत्यादि, किसी को बहुत सारे रोग होते हैं तो उसको गोमूत्र से गठिया इत्यादि, तो गोमूत्र से और कई अर्क उसमें मिलाते हैं जो औषधियाँ, हम औषधियों को भी भूलते जा रहे थे। परंतु इस पुनरावृत्ति करने के लिए मनोज भाई सोलंकी ने इस ट्रस्ट को खड़ा किया और आज यहाँ पर सारी चीजें
उपलब्ध हो रही है। मैं तो वैसे मेरा जीवन जो जन्म है मेरा वो मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं अकोला मेरा जिला है, वैसे मैं पातुर नंदापुर का यहाँ का रहवासी हूँ। मेरा नाम निखिल सदाशिव अवाड़े है। तो मैं तो बचपन से आया, मुझे 16-17 साल का था, गुरुकुल टंकारा में मैंने प्रवेश किया। वहाँ पे वेद शास्त्र पढ़े, इसके पश्चात मुझे यहाँ की जानकारी मिली। मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देखे हुए सब यहाँ निःशुल्क पढ़ा जाता है। भोजन बहुत अच्छी तरह से देते हैं, बहुत अच्छा भोजन मिलता है, ऑर्गेनिक सब। आप रहना खाना और जो ये सिखाया जाता है ये भी निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है जी। आज मुझे 20-25 दिन हो रहे हैं, मेरे से एक रुपया भी लिया हुआ नहीं है और मुझे जो चाहिए वो सब मिल रहा है यहाँ। तो शास्त्री जी मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं? अभी 20-25 दिन हो रहे हैं मुझे। अच्छा, तो 20-25 दिन में आपने जो भी चीजें सीखी हैं, जितने भी उत्पाद सीखे हैं, उनकी संख्या कितनी है? वो उनकी संख्या तो जो भी हमारे अर्क है वो अर्क भी है और धूपबत्ती भी है। धूपबत्ती है और आपका ये जो रेडिएशन चिप भी है। हाँ, रेडिएशन चिप है। और 22 तरह के गौमूत्र अर्क आपके यहाँ बनाए जा रहे हैं, अलग अलग बीमारियों। हाँ जी, तो ये सब चीजों को आपने 20-25 दिन में पूरे अच्छी तरह से आपने सीखा। जी जी जी। तो यहाँ का माहौल कैसा है, प्राकृतिक है, कैसा है, या पॉल्यूशन वाला है दिल्ली नोएडा या और महानगर की तरह? जो भी जैसे हम शहरों में देख रहे हैं मौसम जो वायु है वो दुर्गंध है, पर इस यहाँ पर रामकृष्ण ट्रस्ट में बिल्कुल वायु सुगंधित है, वातावरण भी अच्छा है, यहाँ के सभी स्टाफ अच्छे हैं और सभी का व्यवहार ठीक ठाक है। आप जो भी जिनको भी आना है यहाँ पे सबको सारी चीज सिखाई जाती है। जो निवास स्थान ट्रस्ट ने दिया है रहने के लिए, वो सीमेंट से बना हुआ है या किस चीज से बना? ये सभी वैदिक प्लास्टर से है। अच्छा। हाँ जी, वैदिक प्लास्टर से सब किस में बना हुआ है। हाँ। केमिकल कुछ नहीं है। जो भी हमारी देश की जो प्राचीन समय में हमारे घर इत्यादि जो भी बनते थे। हाँ। तो भी आज है। अच्छा। जो भोजनालय है आपका, तो वहाँ पे सात्विक भोजन दिया जाता है? बिल्कुल जी, सात्विक भोजन जो शरीर के लिए चाहिए। अच्छा। वही हमारे यहाँ सब वही भोजन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे खड़े होके खाना खाया जाता है या बैठ के खाया जाता है? देखो, सभी साथ में नीचे बैठते हैं। हाँ। और वेद के अंदर जो अन्न का जो मंत्र है। अच्छा जी। वह मंत्र बोला जाता है, सबसे पहले मंत्र बोला जाता जी, है। सभी पूजा हो जाती है। सभी हम बैठेंगे, थाली लेंगे, थाली में सभी 3-4 व्यक्ति परोसते हैं, परोसने के बाद हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद हम जो मंत्र है वह मंत्र पाठ करते हैं, इसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। शास्त्री जी, आपको मंत्र के कुछ शब्द लाइनें याद है तो अगर बता सकते हैं? हाँ, वो है ओम अन्नपते अन्नस्य नुहितिमिरशुष्पिणः प्रप्रदातारं तारिशोर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। एक मंत्र और है यहाँ जो बोला जाता है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्युषावहि। ओम शांति शांति शांति। मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, जो आपकी अभी उम्र है वो कितनी होगी? मेरी अभी 26 साल उम्र है। आप लोग ध्यान से सुनिए, शास्त्री जी की उम्र 26 साल है। जिस तरह से उन्होंने संस्कृत के श्लोक, हिंदी के श्लोक, अन्न खाने से पहले, मतलब अनाज जो हमें अन्नदाता देते हैं उसकी पूजा करके, फिर थाली देके जमीन पर बैठकर आधी पाती मार के खाना, और इतनी कम उम्र में और इतना ज्ञान होना, इतनी अच्छी तरह से एक एक लाइन को याद रखना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और यही हमारा जीवन है, भारतीय सभ्यता संस्कृति है। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ। मुझे आज इतनी खुशी महसूस हो रही है, मैं गदगद महसूस कर रहा हूँ कि मेरे से बहुत 10-15 साल छोटे से आयु के लोग भी इतनी ज़्यादा ज्ञानी और इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनका मैं तारीफ करूँ तो मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। तो और भी कुछ आखिरी समय में, आखिरी वीडियो में कुछ जोड़ना चाहेंगे शास्त्री? विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। हाँ जी। और हमारा आपने परिचय लिया। हाँ जी। ये बहुत बड़े हम भाग्यशाली है, क्योंकि ये चीजें बाहर जानी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि हम गाय तो पाल रहे हैं, परंतु गाय से हमें क्या क्या फायदा ये हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे राजू भाई दीक्षित ने बहुत काम किया हुआ है। दीक्षित जी को आप मानते हैं? बिल्कुल, राजू दीक्षित जी को मानते हैं हम, क्योंकि अगर राजू दीक्षित आज वर्तमान समय में अगर रहते तो आज भारत को वही जो प्राचीन संस्कृत ऋषि मुनि जो संस्कृति थी, जो आचार विचार शैली,
जो थी वो आज होती, आज है भी, परंतु राजू दीक्षित जी हम देखते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने प्रवचन इत्यादि किए, हमने उस प्रवचन को हमने वीडियो यूट्यूब के द्वारा उसको सुना और गौर किया, तो आज यदि राजू दीक्षित जी होते हैं तो आज वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो उसको सुनकर वही हमारी जो जिससे हम सोने की चिड़िया कहने वाला भारत देश वो दोबारा खड़ा होता। ये मैं शास्त्री जी से बिल्कुल सहमत हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शास्त्री जी मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना कीमती समय हम जैसे लोगों को दिया, और मैं यही वीडियो को यही विराम देना चाहूँगा। जय गौ माता जय गोपाल 1993 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और नया वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आएगा, उसको आप देखिए।